नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश सिंह और आप देख रहे हैं लाइव उत्तर प्रदेश। आय से अधिक संपत्ति मामले में सपा संस्थापक और सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव को राहत मिली है। इस मामले में सीबीआई ने दोनों को क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में सीबीआई ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कोई सबूत नहीं मिले। आप भी देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आय से अधिक संपत्ति मामले में सपा संस्थापक और सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव को राहत मिली है। इस मामले में सीबीआई ने दोनों को क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में सीबीआई ने कहा है कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कोई सबूत नहीं मिले। आपको बता दें कि सीबीआई ने अप्रैल महीने में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करके बताया था कि उनके खिलाफ पीई 2013 में बंद कर दी गई है। सीबीआई ने कहा था कि ये प्रारंभिक जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा था। सीबीआई ने कहा कि इसको लेकर हम जवाब दाखिल करेंगे और कोर्ट को बताएंगे कि आगे हम क्या कर सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में मुलायम सिंह यादव ने दावा किया था कि सीबीआई की प्राथमिक जांच उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है, जबकि जिस रिपोर्ट का मुलायम सिंह यादव ने हवाला दिया है उस सीबीआई ने उसे पहले ही फर्जी बताकर 2009 में एफआईआर दर्ज कर चुकी है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ लाइव उत्तर प्रदेश लखनऊ।